वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड दोस्तों, आप लोगों को मालूम हो कि अभी समर के सीज़न चल रही है और इस समर के सीज़न में भाई हर किसी लोगों को एक शिकायत रह जाती है उसके स्मार्टफोन को लेकर। जैसे कि पहला है हीटिंग इशू। इस समर के सीज़न में ना हीटिंग इशू भी काफ़ी लोगों को देखने को मिलती है। और दूसरा हैंग प्रॉब्लम, यानी कि हीटिंग इशू की वजह से ना हमारे जो एंड्रॉयड फ़ोन है ना वो काफ़ी ज़्यादा हैंग होने लग जाती है। और तीसरा बैटरी ड्रेनेज प्रॉब्लम, यानी कि हीटिंग इशू की वजह से हमारे जो स्मार्टफोन का जो बैटरी है ना वो भी काफ़ी जल्दी जल्दी ड्रेन हो जाती है। और अगर आप भी इस समर सीज़न में अपने स्मार्टफोन्स में ये सब प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, देन मैं आपको बता दूं कि आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हो। आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आए हो टोटल 10 बेस्ट एंड कमाल के टिप्स एंड ट्रिक्स, जिससे अपने एंड्रॉइड फोन को या फिर स्मार्टफोन को इस समर सीजन में कैसे यूज करना है। वीडियो काफी ज्यादा कमाल का और इंटरेस्टिंग और काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो बिना स्किप किए पूरा एंड तक जरूर देखना। तो चलिए फटाफट इस कमाल की वीडियो को हम शुरू करते हैं। ओके, तो बात कर लेते हैं टिप नंबर 1 की। तो जब भी आप कहीं बाहर में मार्केटिंग करने जाते हो या फिर कहीं भी काम करने के लिए जाते हो, तो जब भी आप अपने फ़ोन को यूज़ करते हो ना, तो एक चीज़ हमेशा ख्याल रखना, जब भी फ़ोन को यूज़ करो ना तो भाई सनलाइट डायरेक्ट आपके फ़ोन पर ना पड़े। यानी कि जहाँ पर सनलाइट होना भाई, जहाँ पर धूप ज़्यादा होना, तो उस जगह पर आपको अपने फ़ोन को यूज़ नहीं करना है। जहाँ पर यहाँ छाँव देखने को मिलेगा ना, वहीं पर आपको अपने फ़ोन को डायरेक्टली यूज़ करना है। अब इससे होगा ये कि जब भी आप अपने फ़ोन को अगर सनलाइट में डायरेक्ट यूज़ करोगे ना, तो सनलाइट का जो रिफ्लेक्शन, जो धूप है ना, जो गर्मी है ना, वो आपके फोन को और भी ज्यादा हीट कर देगी और इससे और भी ज्यादा प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इस चीज का हमेशा ख्याल रखना। टिप नंबर 2, एडजस्ट स्क्रीन ब्राइटनेस। अब इसका मतलब ये है कि जब भी आप अपने फोन को यूज करो ना, तो उसमें एक फीचर है ऑटो ब्राइटनेस का, उसको हमेशा इनेबल करके जरूर रखना। इससे फायदा ये होता है कि आपका बैटरी भी कम खाएगा। और इससे एक और बेनिफिट होगी कि जब भी आप अपने फोन को अगर बाहर में यूज करोगे, डायरेक्टली लाइट्स वगैरह में यहां पर यूज करोगे ना, तो जो ब्राइटनेस है ना वो पूरा अप हो जाएगा। या फिर अगर आप घर में यूज़ कर रहे हो, अंधेरा है, तो वहाँ पर जो ब्राइटनेस है ना ऑटोमेटिकली पूरा डाउन हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा ब्राइटनेस। इससे क्या है ना कि आपको जो ब्राइटनेस है ना ऑटोमेटिक यहाँ पर से एडजस्ट होता रहेगा, आपको कम बेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर मान के चलो आपने ब्राइटनेस को एक जगह पे फिक्स कर दिया, ऑटो ब्राइटनेस को इनेबल नहीं किया, तो चाहे आप बाहर में यूज़ कर रहे हो या फिर आप घर में यूज़ कर रहे हो, आपका ब्राइटनेस उतना का ही उतना ही रहेगा और काफ़ी ज़्यादा चार्ज भी खाएगा और इससे हीटिंग इश्यू भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। तो इस चीज़ का भी आप हमेशा ख्याल रखना। ओके, अब हम बात कर लेते हैं टिप नंबर 3 के बारे में। तो जब भी आप अपने फ़ोन को चार्जिंग में कनेक्ट करोगे ना, तो 3 बातों का हमेशा ख्याल रखना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको अपने फ़ोन को जब भी चार्ज में कनेक्ट करोगे ना, तो आपको अपना खुद का ओरिजिनल जो चार्जर है ना, उसी से आपको अपने फ़ोन को चार्जिंग में कनेक्ट करना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि आप अपने फ़ोन को सही तरीके से चार्ज करना, जिससे क्या है ना कि आपको यहाँ बैटरी ड्रेनेज प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। और तीसरी चीज़ ये है कि आप अपने फ़ोन को जब भी चार्जिंग में कनेक्ट करोगे ना, तो फ़ोन का जो केस है ना भाई, जो कवर है ना, उसको हमेशा उतार कर रखना, यानी कि खोल करके ही आप अपने फोन को चार्ज करना। अब इससे बेनिफिट ये होगी कि जब भी आप अपने फोन को चार्ज करते हैं ना, तो चाहे एक घंटा हो या फिर आधा घंटा हो, चार्जिंग होते टाइम हमारा जो फोन है ना काफी ज्यादा हीट होती है। तो अगर आप कवर ओपन करके रखोगे, खोल कर रखोगे ना, तो उसकी जो हीटिंग है ना भाई हमेशा बाहर जाएगी। यानी कि उसकी जो हीट है ना, अगर आप कवर लगा के रहोगे ना, तो हीट काफी ज्यादा होगा और आपका फोन काफी ज्यादा खराब भी हो सकता है, यानी कि उसमें हीटिंग इश्यू ज्यादा देखने को मिलेगा, इससे बैटरी पर काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ती है। तो हमेशा जब भी चार्ज करो ना, तो इन 3 बातों का हमेशा ख्याल रखना। अब हम बात कर लेते हैं टिप नंबर 4 की। तो आप अपने फोन में काफी ज्यादा मल्टीटास्किंग करते हो, काफी सारे ऐप्स को यहाँ पर से ओपन करके रखते हो, यूज करते हो, तो हमेशा एक चीज जरूर याद रखना कि भाई जब भी आप अपने फोन को अगर रेस्ट दे रहे हो ना, अगर आप अपने फोन को बंद करके रख दिए हो ना टेबल पर या फिर कहीं भी, या फिर आप सो रहे हो, तो उस सिचुएशन में आपको एक चीज हमेशा ख्याल रखना है कि आपने यहाँ पर यह देखना सबसे पहले कि आपके जितने भी एप्लीकेशन हैं वो यहाँ पर ओपन है या फिर नहीं, यानी कि बैकग्राउंड में यहाँ पर ओपन है या फिर नहीं। उन सारे अनयूज्ड ऐप्स को सबसे पहले तो क्लोज कर देनी है मेन्यू बटन से, यहाँ पर से क्लोज करोगे ना, तो इससे बेनिफिट ये होगी आपके फोन का जितने भी बैटरी है ना भाई, ये बैकग्राउंड में लेता रहता है। अगर आप इनको क्लोज कर दोगे ना, तो आपका सबसे पहले तो बैटरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और साथ में हीटिंग इश्यू भी कम होगा। अब हम बात कर लेते हैं टिप नंबर 5 का। तो काफ़ी लोग अपने फ़ोन को ना काफ़ी देर तक यहाँ ऑन करके रखते रहते हैं। अब हमारे फ़ोन में एक यहाँ फीचर है स्क्रीन ऑफ टाइम का, यानी कि अगर आप अपने फ़ोन में 15 सेकंड, 1 मिनट या फिर 10 मिनट का टाइमिंग सेट कर दोगे ना, तो उस टाइमिंग पर आपका फ़ोन ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। तो काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो नेवर पर या फिर 10 मिनट में सेट करके रखते हैं, जिससे क्या है ना कि उनके जो फोन है ना भाई बंद होते ही नहीं है, यानी कि लॉक होते ही नहीं है, बैटरी काफ़ी ज़्यादा खाती है। अगर आपका स्क्रीन ऑन रहेगा ना, बैटरी काफ़ी ज़्यादा खाती है। तो इस चीज़ को हमेशा ख्याल रखना कि जब भी आप अपने फ़ोन को भाई लॉक ज़रूर रखना, यानी कि ये 15 सेकंड या फिर 30 सेकंड या फिर 1 मिनट पर ज़रूर रखना, ताकि जब भी आप अपने फ़ोन को अगर आप साइड में रख दिए हो और भूल गए हो अपने फ़ोन को बंद रखना, बंद करने के लिए, तो इस सिचुएशन में ना 30 सेकंड में या फिर 15 सेकंड में आपका फ़ोन ऑटोमेटिकली लॉक हो जाए। अब हम बात
कर लेते हैं टिप नंबर 6 के बारे में। तो काफ़ी लोग अपने फ़ोन को जब भी यूज़ करते हैं ना, तो एक फीचर का यूज़ नहीं करते भाई, पावर सेविंग मोड का। काफ़ी लोग सोचते हैं कि पावर सेविंग मोड ऑन करने के बाद ना पावर और भी ज़्यादा यहाँ कंज्यूम होती है, तो ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं है। अगर कंपनी हमें अपने स्मार्टफोन्स में ये फीचर दे रही है तो इसका कुछ तो बेनिफिट है। तो अगर आप भी अपने फ़ोन को जब भी यूज़ कर रहे हो, चाहे बाहर में, आउटडोर में या फिर इनडोर में, घर में यूज़ कर रहे हो, तो इस फीचर को हमेशा यूज़ कर लेना, यानी कि इनेबल कर लेना, पावर सेविंग मोड ऑन कर लेना। ताकि इससे क्या है ना कि बैटरी भी कम इफेक्ट पड़ेगा और साथ साथ बैटरी भी कम खाएगी, यानी कि ज़्यादा देर तक आप अपने फ़ोन को यूज़ कर पाओगे, तो इस फीचर का यूज़ करना। ओके, अब हम बात कर लेते हैं टिप नंबर 7 के बारे में। तो काफ़ी लोग ऐसे हैं जब भी नया फ़ोन लेते हैं एंड उसके बाद से जो भी एप्लीकेशन का जो अपडेटेड वर्जन होती है ना, उसी वर्जन से वो लोग 2-3 साल तक ही फ़ोन को यूज़ करते रहते हैं, यानी कि एप्लीकेशन को ना अपडेट नहीं करते, चाहे व्हाट्सअप हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, अदर कोई भी एप्लीकेशन हो, उनको अपडेट करते नहीं है। इससे भी आपको काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगे। डे बाय डे, टाइम टू टाइम आप अपने फ़ोन के जितने भी एप्लीकेशन है ना, उसको आप डे बाय डे अपडेट करते रहो। अब हम बात कर लेते हैं टिप नंबर 8 के बारे में। तो काफ़ी लोग ऐसे हैं जो अपने फ़ोन के सारे एप्लीकेशन में ना लोकेशन का जो परमिशन है ना, वो हमेशा अलाउ करके रखते हैं। देखो, फ़ोन का लोकेशन तो इनेबल करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, हमेशा ऑन रखो, 24 घंटा ऑन रखो, कोई बात नहीं है। बट अगर आप एप्लीकेशन में लोकेशन सर्विस का जो यहाँ परमिशन है ना, अगर आप ऑल टाइम यहाँ पर दोगे ना, यहाँ परमिशन अगर ऑल टाइम सर्विस देते रहोगे ना, तो इससे क्या है ना कि दो चीज़ आपका काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। पहला तो भाई, यहाँ पर आपका बैटरी भी काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम करेगा, और दूसरा आपका इंटरनेट भी खाएगा, और तीसरा चीज़ ये है कि आपका फ़ोन भी काफ़ी ज़्यादा हीट होती रहती है थोड़ा थोड़ा। और इससे क्या है ना कि कोई भी एप्लीकेशन आपका भाई लोकेशन ईजिली ट्रैक कर सकता है। तो इस चीज़ का ख्याल रखना कि जब भी एप्लीकेशन को यूज़ करो ना, तो उसी टाइम लिमिटेड टाइम तक ही वो आपकी लोकेशन को यहाँ पर ट्रैक कर सके, और जब भी आप उस एप्लीकेशन को क्लोज कर दो ना, तो भाई आपका जो लोकेशन सर्विस है ना, वो डिसेबल हो जाए। ओके, अब हम बात कर लेते हैं टिप नंबर 9 का। तो काफ़ी लोग ऐसे हैं जब भी उनके फ़ोन में कॉल आती है ना, तो कॉल के साथ साथ ना वाइब्रेशन भी होती है, या फिर अगर उसके फ़ोन में मैसेज आती है तो टोन के साथ साथ ना वहाँ वाइब्रेशन होती है। तो भाई इस चीज़ को आप पूरी तरीके से डिसेबल कर दो, यानी कि जब भी कॉल आए ना, तो सिर्फ आपका रिंग टोन ही बजे। वाइब्रेशन होती है ना, हमारे जो फ़ोन में एक मोटर होती है वाइब्रेशन वाली, अगर आप वहाँ पर वाइब्रेशन ऑन रखोगे ना, तो मोटर का जो वाइब्रेशन है ना, उसकी वजह से बैटरी काफ़ी ज़्यादा ड्रेन होती है, काफ़ी ज़्यादा बैटरी खाती है उस चीज़ में। तो आप हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखना, जब भी आप कॉलिंग वगैरह में अगर आपने वाइब्रेशन को ऑन कर रखा है, तो इस चीज़ को डिसेबल कर देना। दो चीज़ यहाँ पर देखने को मिलेगा, एक तो पहला कि बैटरी आपका कम खाएगा, और दूसरा यहाँ पर आपका फ़ोन भी लैग नहीं होगा। काफ़ी लोगों का फ़ोन भी हैंग होती है इस वाइब्रेशन की वजह से। ओके, अब हम बात कर लेती है इस वीडियो का 10th एंड लास्ट टिप्स के बारे में। तो जब भी आपने अपने फ़ोन को बाय किया ना, यानी कि ख़रीदा है ना, तब से लेकर 2 साल तक अब तक आपने अपने फ़ोन में सॉफ्टवेयर को अपडेट नहीं किया है, यानी कि जितने भी अपडेट्स वगैरह आती है ना, अगर आपने अपडेट नहीं किया, तो भाई ये भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। पहला तो बग्स वगैरह देखने को मिलेगा, बैटरी ड्रेनेज प्रॉब्लम भी देखने को मिलेगा। अगर आप अपने फ़ोन के सॉफ्टवेयर को हमेशा डे बाय डे, टाइम टू टाइम अपडेट करते रहोगे ना, जब भी अपडेट्स आए ना, सॉफ्टवेयर अपडेट आए ना, तो हमेशा अपडेट कर दिया करो। अब इससे बेनिफिट ये होगी ना कि जब भी अगर आपके फ़ोन में कोई बग्स है, तो वो चीज़ फिक्स हो जाए, या फिर बैटरी ड्रेनेज प्रॉब्लम है, तो वो चीज़ फिक्स हो जाए। इससे भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है अगर नहीं करोगे तो। ओके, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों के एंड्रॉइड फोन के लिए टोटल 10 टिप्स एंड ट्रिक्स बताएं कि कैसे आप अपने इस समर सीजन में आप अपने स्मार्टफोन को कैसे यूज़ कर सकते हो, जिससे ये सब प्रॉब्लम्स देखने को नहीं मिलेगी। तो अगर वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल हुई है ना, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है ना, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, और इस वीडियो को अपने सारे एंड्रॉइड यूज़र हो या फिर iOS यूज़र हो, सारे स्मार्टफोन यूज़र्स के साथ शेयर ज़रूर कर देना, ताकि उन लोगों को भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नहीं हो तो क्या कर रहे हो, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, यहाँ पर आपको ऐसी क्वालिटी वाली कंटेंट ना मिलती रहती है और हमेशा मिलती रहेगी। तो चलिए फिलहाल के इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं, एंड थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।